नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे द मोस्ट अवेटेड एंड रिक्वेस्टेड वीडियो जो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल्स में बताकर बनाने के लिए कहा था। तो चलिए देखते हैं मोस्ट अवेटेड एंड रिक्वेस्टेड वीडियो। बादशाह कौन होता है? बादशाह बादशाह वो होता है जो लोगों के दिल पर राज करता है। बादशाह वो होता है जो होता है स्टाइलिश। आइए इस वीडियो में मैं आपको मिलाता हूँ ऐसे ही एक बादशाह के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1.3 टन के पिकअप सेगमेंट के बेताज बादशाह यानी कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप FB इस गाड़ी के बारे में। और इस वीडियो में मैं और मेरी टीम आपको दिखाएंगे इस बादशाह की ढेर सारी खूबियाँ। तो बिना कोई देर गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप के इतिहास के बारे में। महिंद्रा की बोलेरो पिकअप महिंद्रा की पुरानी अर्माडा के सिद्धांतों पर स्थित है। महिंद्रा बोलेरो SUV का डिजाइनिंग श्याम कुमार अल्लेपल्ली जी ने किया था। महिंद्रा बोलेरो का निर्माण महाराष्ट्र के नासिक और उत्तराखंड के हरिद्वार में होता है। यह गाड़ी बहुत सारे वेरियंट जैसे कि CBC, FB, बिग बोलेरो, फोर व्हील ड्राइव और कैंपर वेरियंट्स में मिलती है, जिनकी वीडियोज़ आप भविष्य में देखेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा टेक महिंद्रा बोलेरो के इतिहास के बारे में। आइए आगे चलते हैं। आइए बात करते हैं इस गाड़ी की कीमत के बारे में। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 6,80,000 रुपये और यहाँ थाने में इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है 7,40,000 रुपये। दोस्तों आइए बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन माइलेज और गियरबॉक्स के बारे में। इस गाड़ी में मौजूद है महिंद्रा का जाना माना M2 DICR का 2.5 लीटर यानी कि 2,523 cc का 4 सिलेंडर इनलाइन BS4 इंजन जो देता है 70 हॉर्स पावर 3,200 rpm पर और एक बहुत ही तगड़ा टॉर्क 195 Nm का 1,500 से 1,800 rpm में। इस गाड़ी का कंपनी क्लेम माइलेज है 14 km/l और ट्रांसमिशन है 5-स्पीड मैनुअल सिंक्रोनस गियरबॉक्स विथ सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन क्लच। दोस्तों आइए बात करते हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप के एप्लीकेशंस यानी इसे आप क्या क्या बना सकते हैं। तो इसे आप बना सकते हैं फुल बॉडी, हाफ बॉडी, मिल्क वैन, पोल्ट्री वैन, टिपर ट्रक, रिफ्रिजरेटेड वैन, टोविंग वैन, कंटेनर, टैंकर, फूड वैन, कैश वैन इत्यादि। आइए दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साहब से कि इनको इस गाड़ी के बारे में क्या लगता है। सर आपकी गाड़ी कितने सालों से चल रहे हैं? इसका आपको माइलेज और एवरेज क्या मिल रहा है? 14 का मिलता है। और इस गाड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, मतलब इसकी खूबियाँ क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है इस गाड़ी के बारे में? गाड़ी बहुत ही अच्छी है, मजबूत है गाड़ी और इसका एवरेज भी अच्छा है। कहीं भी लेके जाओ
बॉडी भी मजबूत है। ओके, और इसका जो आफ्टर सेल्स है यानी महिंद्रा का सर्विस सेंटर वगैरह में, तो आपको उसमें कुछ दिक्कत आती है क्या है बता दीजिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिक्कत, इंदौर से भी जाते हैं गाड़ियाँ बहुत मार्केट में सर्विस जाते हैं। तो इनोलिस गाड़ी से आप खुश हो? एकदम खुश हो। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारा शॉर्ट कस्टमर टेस्टिमोनियल था, तो आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं सस्पेंशन की, तो आगे की तरफ रिजिड लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन विद एंटी रोल बार और पीछे की तरफ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्जॉर्बर्स के साथ 7 लिफ्ट स्प्रिंग्स दिए गए हैं। ब्रेक्स की बात करें तो इस गाड़ी में आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं सिंगल डायफ्राम LCRV यानी कि लोड कॉन्शियस रेगुलेटिंग वाल्व सिस्टम के साथ। LCRV सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। ये रही इसकी चाबी। आपको स्टेयरिंग में दो ऑप्शन अवेलेबल है, पावर स्टेयरिंग और मैनुअल स्टेयरिंग। ये डैशबोर्ड बहुत ही स्टाइलिश है और आपको दो ड्यूअल टोन में आता है। आप देखेंगे जैसे कि यह हेडरूम दिया गया है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और दूसरा, ये जो गियर लीवर है ये बहुत ही ईजी टू एक्सेस है। आपको ड्राइवर के साथ यहाँ पे दो और को पैसेंजर बैठ सकते हैं यहाँ ईजीली। राइट हैंड साइड में जो स्टॉक दिया गया है वो हेडलाइट के लिए, और लेफ्ट साइड में है जो वाइपर के लिए दिया गया है। लेग रूम भी यहाँ काफ़ी बढ़िया है और आप सीट के भी पोजीशन आपके हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हैंड ब्रेक का लीवर मौजूद है और यहाँ पीछे एयर वेंट के लिए भी जगह दी गई है। आपको एसी के लिए एक्सटर्नल फिटिंग करवानी पड़ेगी अगर आपको एसी ऑप्शन चाहिए। तो ये रहा महिंद्रा बोलेरो के इंटीरियर के बारे में। इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस है 13 मीटर और इसमें आपको मिलेंगे 15 इंच के ट्यूब वाले रेडियल टायर्स, उसी के साथ 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको कच्चे रास्तों पे अच्छी पकड़ और नियंत्रण देने में सक्षम है। इसी के साथ आपको इस गाड़ी में मिलता है 57 लीटर का डीजल टैंक और इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1.3 टन यानी कि 1300 किलो। उसी के साथ कंपनी क्लेम वारंटी है 2 साल या 1,00,000 किलोमीटर। तो दोस्तों, अब हम बैठे हैं श्रवण गुप्ता जी के साथ जो यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो अभी श्रवण गुप्ता जी, हमें इस गाड़ी के मंथली और एनुअल सेल्स के बारे में बताइए। लगभग 150-160 के अबाउट अगर मंथली इसका सेल है और 2000 के करीब साल में इसका सेल हो जाता है। और इस गाड़ी में ऐसा क्या है जो इसके कॉम्पिटिटर्स में नहीं? इस गाड़ी में ऐसा खास फीचर है कि इसका रफ एंड टफ यूज़ है। इसके DNA में है कि महिंद्रा गाड़ी आप रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो। 4 साल या 6 साल के बाद भी अगर आप बेचना चाहोगे तो लगभग आपको 4 लाख के ऊपर तक आपका अमाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस गाड़ी के सेल्स इंक्वायरी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आप नवी मुंबई, मुंबई या ठाणे रीजन से बिलोंग करते हैं तो अभी जो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है उस पर प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू श्रवण गुप्ता। नाइस टू मीट यू सर। तो दोस्तों, स्पेशल थैंक्स टू MD ऑफ सलासर महिंद्रा मिस्टर आदित्य जकाते फॉर गिविंग अस द परमिशन फॉर शूटिंग, एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू मार्केटिंग हेड ऑफ सलासर महिंद्रा दिव्या हिंदुजा मैम फॉर लेंडिंग अस द व्हीकल फॉर अ डेज टाइम। तो मैम, आपको कुछ कहना है? या थैंक यू सो मच टीम फॉर कोऑर्डिनेटिंग द होल डे, एंड डेफिनेटली वील बी अपलोडिंग मोर वीडियोज ऑफ बिग पिकअप 1.7 ऑल्सो एंड सुप्रो मैक्सी ट्रक ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन दैट स्पेशल थैंक्स टू द स्टाफ ऑफ सलासर महिंद्रा फॉर बींग सो कोऑपरेटिव एंड ऑल्सो द रिसेप्शन गाइज द टी पीपल, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर दीपक हु वॉज विथ अस फॉर द होल डे, वॉज ड्राइविंग द व्हीकल। Special thanks to them and nice working with them guys. In future, we will be working with them and bring awesome content till you guys. Hi guys. तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? बहुत मेहनत लगी है हमारी टीम ने, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वीडियो में। कुछ कमियाँ कुछ खामियाँ थी, पर अगली वीडियो में उनको हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ये है हमारी टीम। स्पेशल 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 थैंक्स टू अंकिता बागवे जो हमारी सिनेमाटोग्राफर है,
उन्होंने पूरी दिन बहुत मेहनत की है कमर्शियल व्हीकल होने के कारण, और बहुत धूप में यहाँ पर बम्बई में काम करना बहुत हार्ड है। स्पेशल थैंक्स टू हर, उनको आप अच्छी सिनेमाटोग्राफर है, उनको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उनका इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पर नीचे दे दूंगा। और बाकी की मेरी टीम तो आप जानते ही हो, उनको मैं अगले वीडियो में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग अप विद ऑसम कंटेंट। बाय बाय। रुको रुको रुको, चलो मैकडी जाते हैं। डोमिनोज डोमिनोज। अरे नहीं नहीं नहीं, वड़ा पाव खाते हैं, वड़ा पाव मस्त मजा आएगा, गरम गरम मिर्ची के साथ। ठीक है ठीक है, तो ऐसी ऐसी मेरी टीम है, इनको वड़ा पाव नहीं खाना, इनको मैकडी जाना है, होटल में जाना है, फिर भी मैं हूँ जिंदा। ट्रिपल एडिकेशन ब्लॉग।